ईयर एंड पर कार्स की बहुत अच्छी स्कीम निकलती है, आपको कार काफी सस्ते दामों पे मिल जाती है। अगर आप इस चाहत में हैं कि कोई कार खरीदें, तो चलिए बताती हूँ आपके लिए कौन से कलर की कार रहेगी लकी। लेकिन इससे पहले आपके घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान में चोरियों को हम रोकते हैं, वो भी वास्तु के जरिए। वास्तु के कुछ नियम ऐसे हैं जिनको अगर हम पूरा करते हैं तो घर में और ऑफिस में और फैक्ट्री में चोरियां नहीं होंगी। इनमें से एक नियम कहता है कि घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में कैश ना रखें, इससे चोरी के चांसेस बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो जगह है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाली जगह है, यहाँ पर अगर कैश रखेंगे तो पैसे चोरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। घर में रहने के लिए नौकर को साउथ वेस्ट का एरिया नहीं दे, क्योंकि ये एरिया घर में रहने से घर के अंदर बॉसी नेचर आ जाता है, तो सर्वेंट जो है वो पैसे को भी अपना समझने लगेगा, तो चोरी की टेंडेंसी बढ़ेगी। घर का मेन गेट बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए ताकि लोग चोरी करते हुए डरें। तभी तो आपने देखा है कि महलों के दरवाजे कितने बड़े बड़े होते थे। इसके साथ साथ घर में दरवाज़ा जो है वो इवन नंबर के होने चाहिए, जैसे घर में टोटल दरवाजे 2, 4, 6, 8, 12 होने चाहिए। लेकिन 10 दरवाजे वास्तु के मुताबिक शुभ होते हैं। सजे हुए ओम, स्वास्तिक, लक्ष्मी या गणेश की तस्वीर दरवाजे के पास लगाएं, ताकि नेगेटिव एनर्जी वाले लोग घर में ना घुसें। गणेश जी की प्रतिमा को घर के बाहर ना लगाएं। अगर आप खाली गणपति जी लगाते हैं और उनके पीछे दूसरे गणपति जी नहीं लगाते, तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं। अगर उनकी तस्वीर के पीछे उनकी तस्वीर लगाते हैं तो आपके घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रॉस्पेरिटी रहेगी। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है बरकत, लेकिन यही खूबसूरत शब्द जब आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बन जाता है तो आपकी लाइफ बड़ी ही स्मूथ हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी लोगों की लाइफ में कमियां होती हैं, अगर बरकत है तो हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी और खुशी है। कैसे आएगी आपकी लाइफ में बरकत, ये आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ लकी कार्स की बात करते हैं। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और ऐसे में अगर आप गोल्डनिश शेड में गाड़ी लेना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है ये कलर, सुकून और रोशनी देने वाला रंग है, हैप्पी एनर्जी को भी बढ़ाता है। वृषभ, धनु और मकर राशि वालों के लिए लकी कलर है। अगर इन राशि वालों के पास इस रंग की कोई दूसरी कार है तो सिर्फ कार की चाबी का छल्ला भी अगर येलो या गोल्डन है तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर मन को शांत रखता है, ग्रीन कलर आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप लाइट ग्रीनिश, मेटालिक ग्रीनिश कलर की कार लें तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। मेष, मिथुन और साथ साथ कर्क राशि वालों के लिए बहुत लकी कलर हैं। अगर आपके पास इस कलर की कार नहीं है या नहीं पसंद आती है, कोई बात नहीं, इस कलर की कोई भी एक चीज़ अपनी कार में सजावट के लिए रख लें और देखें कमाल। ब्लू कलर, ब्लू कलर अच्छे अधिकार का, रिस्पेक्ट का, सुरक्षा का और ऑनेस्टी का कलर है, डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी मदद करता है। तो फिर टॉरियंस, कर्क यानी कि कैंसेरियंस और सिंह यानी कि लियोस के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस कलर की कार नहीं लेनी है, दूसरे कलर की कार लेनी है, तो आप इस कलर का कुशन गाड़ी में रख लीजिए अपनी पीछे और देखिए कमाल। ब्राउन या ब्राउनिश टोन में कार अगर आप लेते हैं तो ये जो शेड है ये मन को ताजगी देता है। वर्गोस, एक्वेरियंस और कर्क यानी कि कैंसेरियंस के लिए बहुत लकी है। तो आप अगर इस रंग की कार नहीं लेना चाहते हैं या आपकी राशि ये रंग की नहीं है, तो आप एक छोटी कांच की शीशे में ब्राउन पानी तो आप डाल ही सकते हैं ना पेंट को घोलकर, या ब्राउन पेंट की एक छोटी सी बॉटल अपनी कार में रख लीजिए और देखिए कमाल। ब्लैक, बहुत सारे लोगों की ब्लैक फेवरेट कार है, ये कार सीरियसनेस और विल पावर को बढ़ाता है, बातों में क्लैरिटी लाता है, ये कलर सभी राशियों को सूट भी करता है। आप वाइट कलर की अगर कार लेते हैं तो ये कार आपकी लाइफ में शांति लाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं, दिन भर में बहुत ट्रैवलिंग है, थकावट हो जाती है, तो वाइट कार रखें, आपके अंदर एनर्जी आएगी।
और आपके अंदर इंडिपेंडेंस की भावना को बढ़ाता है। ये कलर सच्चाई का प्रतीक है। ये कलर सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहता है।